बच्चों, गंदे कंबल को साफ करने का एक बढ़िया सा तरीका लाई हूँ, जिसे हम ना पानी में डालकर धोएंगे, ना ही हम सर्फ डालकर धोएंगे, ना ही उसे भारी होने की टेंशन होगी। आसानी से ये साफ हो जाएगा और बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो में। सर्दियाँ आते ही हम कंबल से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो हमारे बिना नहीं रह सकता, हम उसके बिना नहीं रह सकते। ऐसे में कंबल को पहन पहन के ऐसे हो जाता है कि बस समझ ही नहीं आता कि अब कंबल को छोड़ें कैसे। सर्दियाँ होती भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस कंबल को हम बिना धोए कैसे इसे बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री रखें। अगर हम बैक्टीरिया फ्री नहीं रखेंगे तो इसके इन्फेक्शन से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि कई बड़े लोगों को मैंने देखा है कि कंबल अपना ओढ़ लिया और सब्जियों को चुन रहे हो। ऐसे ही कंबल ओढ़े हुए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं। कंबल ओढ़ने के बाद ही अगर आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हो तो वो भी आप उसी में ही कर रहे हो। कई सारे काम हमारे होते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है, कंबल साइड से पड़ा है और आप खाना भी खा रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो उस कंबल में चले जाते हैं और जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो कंबल को बिना धोए हम उसे साफ सुथरा कैसे रखें, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक लाई हूं। और चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो सबसे पहले कंबल को आप पहले पूरा फैला दीजिए। फैलाने के बाद जो हमारे घर में मीठा सोडा होता है उससे आप पूरे कंबल के ऊपर इस तरीके से छिड़क दीजिए। थोड़ा सा लगेगा ज़्यादा ज़रूर, लेकिन कंबल आपका बड़े से बड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप क्या कीजिए, एक लीजिए छन्नी, छन्नी लेकर चाय की छन्नी लीजिए साफ़ वाली, और उसमें डाल दीजिए ये मीठा सोडा। मीठा सोडा पूरे कंबल को बिछा कर ना ऊपर से छिड़क दीजिए। अगर आप छन्नी से छिड़केंगे ना तो होगा ये कि पूरी तरीके से अंदर तक वो बेकिंग सोडा चला जाएगा। आप तो सभी जानते हो बेकिंग सोडा जो है ना हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। थोड़ी देर बाद आप इस कंबल को अच्छे से ब्रश से रगड़ लीजिए, जिससे होगा ये जो भी बैक्टीरिया वहाँ पर मर गई हैं, मतलब जैसे भी जो हमें दिखते नहीं हैं वो वहीं से साफ हो जाएंगे। दोनों तरफ से कीजिए, मैंने आपको सिर्फ एक तरफ से ही करके दिखाया है, पर उल्टी तरफ से भी आप इसी तरीके से करिए। दोनों तरफ से जब आप करेंगे ना तो आपका कंबल काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। तो जो मैले मैले सा हो जाता है ना वो काफ़ी मैल धूल सब इसकी साफ हो जाएगी। और हाँ बच्चों, इससे आगे बढ़ें, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है। अब बारी आती है कि इसमें थोड़ी सी स्मेल भी आती है कई बार कंबलों में, तो हम क्या करें। तो अगर कंबल में स्मेल नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप रोज़ वाटर लेकर आप इसे थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए। कि कई बार जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में हम कंबल को एक दूसरे का भी यूज़ करते हैं तो कई बार स्मेल भी आती है, तो ऐसे में आप ये भी कर सकते हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो थोड़ा सा रोज़ वाटर प्लस साथ में थोड़ा सा सिरका डालकर आप स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। स्प्रे करने के बाद अगर आपके यहाँ धूप आ रही है तो थोड़ी देर आप इसको धूप में डाल दीजिए दोपहर के टाइम। अगर धूप नहीं आ रही है तो इसे थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ने से भी ना बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, बिल्कुल साफ भी हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगा, वो भी बिना मेहनत के बिना धोए। क्योंकि धोने के टाइम ना हम जब इसे गीला करते हैं तो पानी तो बहुत सारा लगता ही है, भारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक दो जने के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये काम। और फिर ना इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं आती सर्दियों में, तो हम इसे सुखाएंगे कैसे। तो ये प्रॉब्लम ना आए तो आप इस तरीके से कंबल को बिना धोए भी साफ कर सकते हो। मैंने इसे धूप दिखा दी है, अब मैं इसे नीचे लेकर आई हूँ, अब मैं इसे लपेट के रख रही हूँ। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पता है वो ये कि आप यदि हमारे ऑयल को खरीदते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए तीन टाइप के ऑयल बनाए हैं। अनियन के साथ मैंने बनाया हेयर लॉस ऑयल, अगर आपको हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से आप डर गए हो, तो आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत छोटी उम्र के हो और देख रहे हो कि बाल बिल्कुल सफ़ेद होने जा रहे हैं, अभी कलर यूज़ मत कीजिए, इससे पहले आप भृंगराज हेयर रिपेयर ऑयल यूज़ कीजिए। क्योंकि ये जो आपके बालों को हेयर लॉस को भी कम करेगा, लेकिन ज़्यादा आपके बालों को रिपेयर करेगा, सफ़ेद होने से बचा देगा, जो दूसरे नंबर का ऑयल है, जो कि आपको कुदरत से बहुत बढ़िया आपके हेयर हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप चंपी ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो, ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और खुशखबरी ये है कि आप यदि कॉम्बो
ऑयल खरीदते हैं तो आपको ये कंघा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है और ये मोटे दांतों वाला है और ये हमने बनवाना शुरू किए हैं क्योंकि मुझे पता था ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंघा है। अब बारी आती है जब लास्ट में, जब ये सर्दियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं, तब इसे अच्छे से वॉश करके सुखा कर ही आराम से आप उसे पैक करके रखें। और हाँ बच्चों, ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो कि अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बिगनर्स हैं, बैचलर्स हैं, उन्हें धोने में आलस आती है, तो ये ट्रिक से आपके कंबल जो है बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे।